गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु गरबा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार है इस प्रकार, आइए देखते हैं। सरकारी की तरह अब प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी आ रही है टैक्स बचाने की यह स्कीम। तो क्या है वो स्कीम, आप ये पूरा खबर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नई दिल्ली, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर अनिवार्य नहीं, RTI में रजिस्ट्रार जनरल ने दी जानकारी। कंप्यूटर शिक्षकों का खुला रास्ता, जयपुर प्रदेश में पहली बार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रास्ता खोल दिया है। बजट घोषणा में मुख्यमंत्री ने कंप्यूटर शिक्षक कैडर बनाने की घोषणा की और इस घोषणा ने महज कुछ ही महीनों में अमली जामा भी पहुंचा। बीकानेर निदेशालय की ओर से प्रदेश की 14,601 स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता की फाइल भी शिक्षा विभाग को भेजी गई है। अब प्रदेश के कंप्यूटर डिग्रीधारी बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। और क्या है ये खबर, आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं। चाहे परीक्षा अगले साल हो, लेकिन यदि समय पर पैटर्न और विज्ञप्ति जारी होगी तो लाखों बेरोजगार अपने तैयारी में जुट सकेंगे। केंद्र की शिक्षा में नई क्रांति की घोषणा, नई दिल्ली। RPSC का काम समयबद्धता से कराना ही पहली प्राथमिकता, यादव। आयोग के अध्यक्ष बने हैं भूपेंद्र सिंह यादव, जयपुर। कार्मिक विभाग ने जारी किया संशोधित परिपत्र, पुनर्नियुक्ति नहीं ले सकेंगे रिटायर्ड अधिकारी कर्मी, श्रीगंगानगर। 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की होगी भर्ती, गहलोत ने दी मंजूरी। क्रमोन्नत विद्यालय में 2,490 अस्थायी पद सृजित। RTI एक्ट ने अपनी चमक खो दी, शिक्षक भर्ती के निर्णय का स्वागत, धारीवाल, श्रीगंगानगर। RPSC शिक्षा विभाग समाचार, समय पर परीक्षा, समय पर परिणाम और समय पर नियुक्तियां करवाकर प्रदेश में आशा की नई किरण बनना होगा। हालांकि यह सब RPSC के हाथ में नहीं होता, उम्मीद है कि नई टीम निष्ठा, निष्पक्षता और ईमानदारी से काम करेंगे। नर्सिंग छात्र छात्राओं की अगली कक्षा में प्रमोट करने और फीस कम करने की मांग, झालावाड़। कक्षा में पीछे बैठने वाले छात्र की छलांग। शिक्षक बेहतर समाज के निर्माता, मुख्यमंत्री, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि है 31 तक, जालौर। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आमने सामने हुए परिषद और NSUI के कार्यकर्ता। नेशनल स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन, सार समाचार, झुंझुनू। दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए 26 तक भेजे प्रस्ताव, अलवर। शिक्षक बेहतर समाज के निर्माता, गहलोत। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट 5 साल में हुई 3 भर्तियां, बार बार टूट रहा सपना, युवाओं के हाथ आया केवल इंतजार। रीट 2016 वेटिंग सूची जारी नहीं की गई, रीट 2018 अभी तक 3,766 पद है रिक्त और 10 लाख इंतजार में। पत्रिका अभियान का असर, CM ने दी मंजूरी। 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की होगी भर्ती, प्रक्रिया शुरू। बड़े मुद्दे, लोन पर सुप्रीम कोर्ट, फीस पर हाईकोर्ट में सुनवाई। आमजन की दिवाली, केंद्र सरकार के हाथ, सरकार बताए कैसे वह कितनी फीस ले निजी स्कूल, हाईकोर्ट। 20 को सुनवाई, तब तक फीस वसूली आदेश पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ब्याज माफी यथाशीघ्र लागू करे, 1 महीने की जरूरत क्यों। स्थायीकरण की मांग का मामला, पदों की गरिमा तार तार, शिक्षकों और रजिस्ट्रार के बीच हाथापाई, 3 दिन से अभद्र भाषा का सामना कर रहा था, जयपुर। विभागों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कराना प्राथमिकता, चेयरमैन का जिम्मा संभाल, रात को जयपुर लौटे, गुरुवार को फिर अजमेर जाएंगे। राजस्थान सहित 6 राज्यों के सरकारी स्कूल 5,718 करोड़ से होंगे मजबूत, स्कूली पढ़ाई बेहतर करने के लिए स्टार्स योजना, केंद्र प्रायोजित योजना होगी, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष पैकेज। लर्निंग आउटकम पर होगा जोर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, कंप्यूटर असिस्टेंट और रोजगार सहायक के पदों पर निकली भर्तियां और रिक्तियों का विवरण है। ग्राम रोजगार सहायक के 36 पद है कंप्यूटर असिस्टेंट के और 4 पद है एडिशनल प्रोग्राम अफसर के, और इनके वेतनमान आप यहाँ पे देख सकते हैं, एडिशनल प्रोग्राम अफसर। और शैक्षिक योग्यता है, ग्राम रोजगार सहायक के लिए 12वीं कक्षा पास, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान हो और मैट्रिक स्तर पर पंजाबी विषय के रूप में पढ़ी हो, और कंप्यूटर असिस्टेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा। और एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा के लिए हाल टिकट वेबसाइट से आप देख सकते हैं ये पर डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश तिथियाँ बढ़ाई, तकनीकी शिक्षा विभाग में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में प्रवेश तिथियाँ 22 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। और UPSC ने PCS प्रारंभिक परीक्षा 2020 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। और दोस्तों, इसी खबर के साथ मैं नीलम इस वीडियो में आपसे विदा ले रही हूँ, कल फिर मिलूंगी अन्य खबरों से, तो बने रहिए गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। गुड बाय, टेक केयर।